सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम फिर से एक और प्रोफेशनल 3D लोगो बनाना सीखेंगे और इस लोगो को बनाने के लिए मैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन का यूज कर रहा हूँ। साथ ही इस लोगो में जो जो एलिमेंट्स मैं यूज किया हूँ लोगो को बनाने के लिए, चाहे वो मेटल टेक्सचर हो, बैकग्राउंड हो, फॉन्ट हो, तमाम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप वहां से इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। इवन वहां पे आपको मेरा व्हाट्सएप लिंक और नंबर भी मिलेगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप प्रोफेशनली लोगो मुझसे डिजाइन करवाना चाहते हैं अपने ब्रांड के लिए, बिजनेस के लिए, या फिर यूट्यूब के लिए, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इससे पहले भी मैंने बहुत सारे लोगों से रिलेटेड ट्यूटोरियल डाल रखे अपने चैनल पे, सो उन सब का भी लिंक मिल जाएगा जिसे आप जाके देख सकते हैं। सो चलिए जानते हैं लोगो बनाना कैसे है। सो गाइस, सबसे पहले आपको पिक्सल लैब का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के साथ ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे आपको न्यू टेक्स्ट का एक बॉक्स मिलेगा, फिलहाल के लिए इसे हमें डिलीट कर देना है। यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, देन यहाँ ओके पे क्लिक करके इसे डिलीट कर देना है। अब जैसा कि आज मैंने लोगो बनाया है, उसके लिए एक सर्कुलर रिंग की जरूरत पड़ेगी, तो वो हमें उस तरह का डिजाइन बनाना है। सो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ राइट साइड में या फिर आपको यहाँ टॉप पे ऐड का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ शेप्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ से जो स्क्वायर है इसकी जगह पे हमें सर्कल ले लेना है। देन हमें क्या करना है, इसकी ओपासिटी को बिल्कुल जीरो कर देना है, नीचे आना है और यहाँ से स्ट्रोक विड्थ जो है इसका बढ़ा लेना है, अराउंड 25 के करीब कर लेना है इसकी विड्थ को, कुछ इस तरह से। इसके बाद यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। देन हमें इसी रिंग को फिर से कॉपी कर लेना है, मतलब ऐसा ही एक और रिंग चाहिए, तो फिर से हमें ड्रॉ करना नहीं है, यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। इससे हमारा दो रिंग यहाँ पे बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस रिंग को थोड़ा सा बड़ा करना है, तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ एडिट पे क्लिक करना है टॉप पे और इसको थोड़ा सा इस तरह से बड़ा करके कुछ इस तरह से आपको प्लेस कर देना है। अब यहाँ ये एक्यूरेसी के साथ आपका प्लेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप मैन्युअली करोगे तो मैं आपको बताता हूँ कैसे ये बिल्कुल सेंटर में आएगा। सो यहाँ पे थोड़ा पहले इसकी साइज को हम एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। अब हमें क्या करना है, इसको बीचों बीच सेंटर में करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पहले वाले को सेलेक्ट करना है, देन आपको यहाँ नीचे आना है। यहाँ पे आपको रिलेटिव पोजिशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ बीच में और नीचे वाले सेक्शन में यहाँ क्लिक करना है, तो ये सेंटर में आ जाएगा। ऐसे ही आपको इस वाले सर्कल को सेलेक्ट करना है और यहाँ रिलेटिव पोजिशन पर सेलेक्ट करना है। देन यहाँ इस पर और यहाँ पर क्लिक करके कुछ इस तरह से करोगे तो ये जो है एकदम एक्यूरेसी के साथ इसके बीच में सेंटर में अलाइन हो जाएगा। देन यहाँ राइट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें इन दोनों सर्कल को मर्ज कर लेना है, जैसे कि ये दोनों अलग अलग हैं तो इनको आपस में जोड़ लेना है। इसके लिए आपको यहाँ टॉप पे लेयर पे क्लिक करना है, देन यहाँ क्लिक करना है, यहाँ से इन दोनों बॉक्सेस को चेक मार्क कर लेना है, देन यहाँ क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। ऐसा करने से जो हमारा ये है ये एक सिंगल यूनिट में आ जाएगा, यानी कि ये कंबाइन हो जाएगा। इसके बाद जैसे कि लोगों में मैं यहाँ लाइनिंग दे रखा हूँ साइड साइड में, तो यहाँ पे हमें लाइनिंग ऐड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फिर से आपको इसी हेक्सागोनल वाले सेक्शन में, कोई भी हम शेप से रिलेटेड काम करेंगे इसी हेक्सागोनल वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ आपको जैसे कि इसको अनसेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप अनसेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको शेप्स का ऑप्शन मिलेगा। ये शेप्स का ऑप्शन यहाँ पे अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो यहाँ ऐड वाले आइकन पे क्लिक करके और यहाँ से भी शेप्स पे आप क्लिक करके शेप्स पे चले जा सकते हैं। तो यहाँ से हमें शेप सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको जैसे ही क्लिक करेंगे एक स्क्वायर ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें स्क्वायर ही रहने देना है और इसको कुछ इस तरह से पतला कर लेना है और इसकी लेंथ को बढ़ा लेनी है कुछ इस तरह से। देन यहाँ नीचे आना है और यहाँ से इसकी कलर को ब्लैक कर लेना है। देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे लाइनिंग ऐड करने के बाद सिंपली हमें इसे सेलेक्ट करना है और इसके बीचों बीच हमें प्लेस करना है। सो इसके लिए आपको सिंपली फिर से यहाँ रिलेटिव पोजीशन पे आना है, इस पर क्लिक करना है, देन यहाँ बीच में क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे एकदम सर्कल के बीचों बीच प्लेस हो जाएगा। ये बेसिकली रिलेटिव पोजीशन इस जो हमारा फ्रेम रेफरेंस है, जो ये पूरा स्क्रीन है, इसके सेंटर में अलाइन करने के लिए यूज किया जाता है। बीचों बीच प्लेस करने के बाद हमें इसी लाइन की दो और कॉपी बनानी है। आप लाइन चाहे तो वैसे शेप्स के अकॉर्डिंग भी जहां शेप वाले सेक्शन से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो आपको फिर से लेंथी प्रोसेस पड़ जाएगा। सो सिंपली आपको क्या करना है, इसी लाइन को सेलेक्ट कर लेना है और यहां कॉपी पे क्लिक करके दो और लाइनिंग बना लेनी है। दो बार आपको इसे कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ आपको इसके पोजीशन पे क्लिक करना है, इसको यहाँ से 7px से बढ़ा के 26 तक कर लेना है और इसे यहाँ से नीचे लाना है कुछ इस तरह से।
कुछ इस तरह से यहाँ लाके और जिस तरह मैंने लोगों में सेट किया है, यहाँ पे अगर आप ज़्यादा ये बढ़ रहा है तो यहाँ से आप कम कर सकते हैं इसका, ये थोड़ा थोड़ा ये मतलब होगा, मूव होगा। सो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इसे प्लेस कर देना है। ऐसे ही तीसरे वाले को भी यहाँ से सेलेक्ट करना है और यहाँ पोजिशन पर क्लिक करना है, इसके 7px को 26 तक कर लेना है ताकि ये मतलब ज़्यादा मूव हो सके। अभी यहाँ नीचे लाना है तो फिर जैसे ही यहाँ पास में आ जाए तो इसके px को कम कर देना है ताकि हम एक्यूरेसी के साथ जो है इसको प्लेस कर सकें। सो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से हर डायरेक्शन में मूव करने के लिए आपको यहाँ पे कमांड्स दिए गए हैं, आपको उसकी मदद से इसको कुछ इस तरह से प्लेस कर लेना है। सो तीनों लाइनों को ऐसे प्लेस करने के बाद हमें तीनों लाइन को मर्ज करना है आपस में, जैसे कि तीनों लाइन अलग अलग हैं तो मर्ज करने का प्रोसेस सेम है। आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, देन यहाँ क्लिक करना है, यहाँ से तीनों लाइनों को ऐसे सेलेक्ट करके और यहाँ क्लिक करना है, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। ऐसे में सिर्फ तीनों लाइन ही ना आपस में जुड़ जाएंगी। इसके बाद यहाँ से हट जाना है और यहाँ पे हमें इसके लाइन के चारों तरफ स्ट्रोक्स जनरेट करने हैं वाइट कलर का। सो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ नीचे आना है, यहाँ पे आपको स्ट्रोक्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसे इनेबल कर देना है। देन यहाँ स्ट्रोक विड्थ को आपको अराउंड 5-6 कर लेना है कुछ इस तरह से और राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ से इन तीनों लाइन को और इस सर्कल को आपस में मर्ज कर लेना है। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, देन यहाँ क्लिक करना है, यहाँ से इन दोनों बॉक्सेस को चेक मार्क करना है, देन यहाँ क्लिक करना है, देन ओके पे क्लिक कर देना है। इससे हमारे ये जो सर्कल है आपस में एक दूसरे से मर्ज हो जाएंगे। सो इसके बाद जो यहाँ पे व्हाइट वाला पोर्शन है लाइनिंग के आसपास, इनको हमें रिमूव करना है। सो इसी हेक्सागोनल वाले सेक्शन में आपको यहाँ इरेज कलर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, देन यहाँ से इसे इनेबल कर देना है। जिसे आप इनेबल करेंगे यहाँ से व्हाइट वाला पोर्शन हट जाएगा, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना। अगर आप यहाँ से अगर व्हाइट वाला पोर्शन रहे तो आप टॉलरेंस बढ़ा के उसको सही से हटा सकते हैं, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये जो सर्कल है इसके साइड में जो एक्स्ट्रा पोर्शन निकला है और जो सेंटर में लाइनिंग है, इनको हमें हटाना है। तो इसके लिए हम सिंपली आप यहां से क्रॉप कर सकते हैं इस चीज़ को, तो आपको ऊपर इसी हेक्सागोनल सेक्शन में क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहां से आपको सर्कल सेलेक्ट कर लेना है और देन यहां आपको स्क्वायर वाले शेप पे क्लिक करना है ताकि ये राउंड में आ जाए। अब यहां पे क्या होगा कि हमारा सर्कल जितना है उतना ही आपको एरिया लेना है और क्रॉप कर लेना है ताकि बाहर वाला सेक्शन जो है वो कट जाए, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। ऐसे ही हमें सेंटर से भी इसको रिमूव करना है, जो सेंटर में लाइनिंग बनी हुई है जो सर्कल के अंदर, सो उनको भी हटाना है। सो इसके लिए क्या करना है, इसी हेक्सागोनल सेक्शन में आपको नीचे आना है, यहाँ इरेज कलर पे क्लिक करना है और यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको शेप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से ये सर्कल को सेलेक्ट कर लेना है। अब सर्कल को क्या करना है, यहाँ से छोटा करके बीचों बीच जो छोटा वाला सर्कल है उसके बीचों बीच प्लेस करना है इस तरह से, ताकि हमारा जो सर्कल का बाउंड्री है वो ना कटे, सिर्फ उसके अंदर का हिस्सा रिमूव हो सके। सो कुछ इस तरह से आपको बारीकी से कर लेना है। कुछ इस तरह से करने के बाद सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ से वो पोर्शन रिमूव हो जाएगा, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। सो ऐसा करने से ये सर्कल का जो टेक्सचर है इस तरह से जिस तरह से हमने लोगों में यूज किया है बन जाएगा। डोंट वरी, आप इतने प्रोसेस से अगर बचना चाहते हैं तो ये जो हमने अभी सर्कल बनाया, इस तरह का रिंग बनाया, इसका डायरेक्ट PNG फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। सो आप इतना बनाने से बच सकते हैं, डायरेक्ट आप इस सर्कल को ऐड कर सकते हैं, ये मैं आपके लिए कर दूंगा। सो इसके बाद हमें यहाँ पे अब आप जो भी जिस नेम से आप लोगो बनाना चाहते हैं वो आपको ऐड करना है। जैसे कि आज के लोगों में एस फॉर सुपर हीरो नेम से बनाया हूँ, तो सेंटर में आपको अपने चैनल का जो इनिशियल लेटर है, जो भी नेम है, वो ऐड करना है और साइड में जो रिंग का जो सर्कमफ्रेंस है वो साइड में बाउंड्री लाइन के पास आपको अपने चैनल का नेम डालना है। तो चलिए यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ ऐड वाला आइकन पे क्लिक करना है, देन यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले सेंटर में जो है लेटर वो ऐड कर लेते हैं, जैसे कि मैंने एस यूज किया है, सो यहाँ से एस सेलेक्ट कर लेते हैं, देन यहाँ डन पे क्लिक कर देना है, ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमें एस के साइज को कुछ बड़ा कर लेना है इस तरह से, और इसके बाद से हमें इसका फॉन्ट चेंज करना है, आप जिस भी फॉन्ट का चाहें यूज कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको यहाँ ए पे क्लिक करना है, देन यहाँ नीचे आना है, यहाँ पे आपको फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, देन यहाँ से आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे। ये जितने भी फॉन्ट्स दिख रहे हैं ये बाय डिफॉल्ट पिक्सल एब एप्लीकेशन के ही अपने फॉन्ट हैं, तो यहाँ से आप चाहे तो कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे हैं। यहाँ पे सेकंड सेक्शन में माई फॉन्ट्स का ऑप्शन मिलता है, वो ऐसे फॉन्ट हैं जिनको मैं बाहर से
ऑनलाइन इंटरनेट वगैरह से डाउनलोड करके और यहाँ पे मैंने ऐड किया है। सो आज मैं जो फॉन्ट यूज कर रहा हूँ उसको मैं अलग से क्रोम ब्राउजर में मैं जाके किसी दूसरे वेबसाइट से फॉन्ट डाउनलोड किया हूँ जिसको यहाँ पे मैं ऐड कर रखा हूँ। सो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, वो फॉन्ट मैं आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो आप डाउनलोड कर लेना। और आपको फॉन्ट ऐड करने में अगर दिक्कत आए पिक्सल ऐप एप्लीकेशन में कि फॉन्ट कैसे ऐड करते हैं अलग से, तो उसमें मैं वीडियो बना रखा हूँ जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फॉन्ट ऐड कर लेना अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। सो यहाँ से ये वाला फॉन्ट द डार्केस्ट नाइट गॉथिक करके है, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। अब ये फॉन्ट ऐड करने के बाद हमें इसे बीचों बीच कुछ इस तरह से प्लेस करना है। आप चाहे तो यहाँ सेंटर में आप एक से ज़्यादा भी लेटर ऐड कर सकते हैं और अलग अलग डिजाइन भी या फिर कोई सिंबल भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो इसके बाद चलिए यहाँ से हम नेम ऐड कर लेते हैं। इसके लिए सिंपली आपको फिर से यहाँ ऐड वाले आइकन पे क्लिक करना है और टेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा तो इस पर डबल टैप करना है। अब आपको यहाँ पे आपका जो चैनल नेम है वो ऐड करना है। सो चैनल नेम में यहाँ से हम जैसे सुपर हीरो डाल देते हैं। मैं एज फॉर एग्जाम्पल आपको बस करके दिखा देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग अपने चैनल नेम के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। सुपर हीरो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, देन यहाँ डन पे क्लिक कर देना है, ओके पे क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह से नेम ऐड करने के बाद यहाँ से आप चाहे तो इसका भी फॉन्ट को ये स्टाइलिश सा रख सकते हैं, लेकिन आज जो मैं फॉन्ट यूज किया हूँ यहाँ ए वाले सेक्शन में आपको यहाँ नीचे आके फॉन्ट पे क्लिक करना है। इस वाले के लिए मैं कोई अलग से फॉन्ट डाउनलोड नहीं किया हूँ, जो फॉन्ट दे रखा है पहले से पिक्सल ऐप एप्लीकेशन में बाय डिफॉल्ट उसी का मैं यहाँ से यूज करने वाला हूँ। यहाँ नीचे आपको कुछ उर्दू में यहाँ पे कुछ दिख जाएगा, ये मतलब उर्दू में मतलब दिखा रखा है लेकिन ये हिंदी में ही कुछ इस तरह से डार्क हो जाएगा, सॉरी इंग्लिश में। तो आपको यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेना है, इस वाले फॉन्ट को, इसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, ये है पहले से मैं बता दे रहा हूँ, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। अब क्या करना है, इसको कुछ इस तरह से यहाँ प्लेस करना है और इसको कर्व बनाना है। कर्व बनाने के लिए सिंपली आपको इसी ए वाले सेक्शन में, जब भी हम किसी टेक्स्ट पे काम करते हैं तो इस ए वाले सेक्शन में काम करना है, सारे कमांड्स इसी में मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें कर्व का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है, देन इसे हमें बैंड कर देना है कुछ इस तरह से। आपको देख लेना है इसको एडजस्ट करते हुए कुछ इस तरह से आपको बैंड कर लेना है। बैंड करने के बाद यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। सो इसके बाद इसकी एक और कॉपी बनानी है ताकि हम नीचे साइड भी ऐड कर सकें, या फिर आप चाहें तो सब्सक्राइब नाउ लिख सकते हैं, या फिर कोई आपका टैगलाइन या स्लोगन है तो वो नीचे साइड लिख सकते हैं। आप मतलब एक आइडिया दे दे रहा हूँ कि पिक्सल ऐप के अंदर जितने भी कमांड्स दिए हैं उनका यूटिलाइज आप कैसे कर सकते हैं लोगो बनाने के लिए। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसी नेम को नीचे भी ऐड कर लेते हैं। सो बार बार लिखना ना पड़े, इस नेम को ही हमें लिखना है तो इसे हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है। ऊपर कॉपी पे क्लिक करेंगे ये कॉपी हो जाएगा, बट ये उल्टे डायरेक्शन में कर्व बना हुआ है तो इसको हमें फिर से यहाँ से इसी सेक्शन में कर्व पे क्लिक करके इसको अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरह से कर्व कर लेना है। यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है कुछ बड़ा है तो हमें इस टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ राइट पे क्लिक कर लेना है, देन यहाँ आपको नीचे आना है, यहाँ टी साइज पे क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा हमें छोटा कर लेना है ताकि ये यहाँ पे सही से प्लेस हो सके। थोड़ा सा और कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे हमारा नेम ऐड हो गया, लेटर ऐड हो गया। आप चाहें तो इसके अंदर कोई स्टार वगैरह जो कुछ भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं अलग से भी। सो आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना कुछ इस तरह से। अब हमें जो सुपर हीरोज लिखे हैं और एस लिखे हैं इन सारे टेक्स्ट को आपस में मर्ज कर लेना है। सो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना है लेयर पे, देन यहाँ क्लिक करना है। हमें इस सर्कल को छोड़ के एस वाले को सुपर हीरोज और सुपर हीरो इन तीनों बॉक्सेस को चेक मार्क करके यहाँ क्लिक करना है, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। इससे जो सिर्फ टेक्स्ट वाला पार्ट है वो आपस में मर्ज हो जाएगा। अब जो बारी आती है यहाँ पे हमें इनका टेक्सचर चेंज करना है, जैसे ब्लैक वाले पोर्शन को जो सर्कल है उसको रेड करना है और जो सुपर हीरोज और एस लिखा है उसको सिल्वर टेक्सचर में करना है। सो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ सुपर हीरोज और एस जो लिखा है इसको सिल्वर टेक्सचर में कर लेते हैं। इसके लिए हमें इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ हेक्सागोनल सेक्शन पे क्लिक करना है, देन यहाँ नीचे आना है और यहाँ पे आपको टेक्सचर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको अपनी गैलरी से सिल्वर टेक्सचर सेलेक्ट करना है। ये जो टेक्सचर है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। सो यहाँ से मैं अपने गैलरी से उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ सिल्वर टेक्सचर ऐड करने के बाद अगर आपका सिल्वर टेक्सचर सही से इस पे फिट नहीं आया तो यहाँ से इसके रेशियो को जो मेंटेन रेशियो है इसको इनेबल कर सकते हैं, इससे एकदम बीचों बीच हो जाएगा, ये सही से प्लेस हो जाएगा, कहीं से भी कटेगा नहीं, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो ब्लैक कलर का सर्कल है इसका टेक्सचर हमें रेड करना है, बट इससे पहले हमें यहाँ पे शेप्स पे क्लिक करना है
और यहाँ पे एक शेप्स को यहाँ पे हमें ऐड करना है कुछ इस तरह से। वो मैं किस लिए कर रहा हूँ मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आपको इस तरह से छोटा करके यहाँ पे कर देना है, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से बैक साइड में भेज देना है। ये फ्रंट साइड में है डॉट सा, तो इसको बैक साइड में कर देना है। यहाँ से आपको लेयर पे क्लिक करना है और जो हमने यहाँ पे स्क्वायर ऐड किया इसको मतलब चेक मार्क करना है और इस सर्कल को चेक मार्क करना है, देन यहाँ क्लिक करना है, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। हमने अलग से एक स्क्वायर को इस सर्कल से इसलिए मर्ज किया, जब हम टेक्सचर लगाएंगे तो यहाँ पे जो गैप बना है तीनों लाइन के बीच में, उसमें गैप बना रहे। अगर हमने ये स्क्वायर इस सर्कल के साथ ऐड नहीं किया होता तो जो टेक्सचर यहाँ पे हम ऐड करते तो पूरा का पूरा प्लेन आ जाता, पूरा का पूरा सब चीज़ को ढक लेता। सो इसलिए हमें एक स्क्वायर को इसके साथ मर्ज करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ सर्कल के साथ। सो इसके बाद अब हम इसे टेक्सचर दे सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ टेक्सचर पे क्लिक करना है, देन यहाँ इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको कोई भी टेक्सचर, जैसे कि मैं यहाँ पे रेड यूज कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं रेड वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे हमारा रेड टेक्सचर आ जाएगा। देन हमें क्या करना है, इस सर्कल को और जो हमने टेक्स्ट लिखा इन दोनों को आपस में मर्ज कर लेना है। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, देन यहाँ क्लिक करना है, यहाँ से ये एस वाले लेटर्स को और यहाँ से सर्कल को आपस में मर्ज करना है, तो यहाँ ओके क्लिक करना है, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे हमारा लोगो ऑलमोस्ट बन चुका है। अब इसके अंदर हमें थोड़ी सी 3D इफेक्ट वगैरह, शैडो वगैरह डालना है। सो इसके लिए हेक्सागोनल वाले सेक्शन में ही नीचे आपको 3D शेप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, देन यहाँ इसे इनेबल कर देना है। जैसे इनेबल करेंगे यहाँ पे आपको 3D इफेक्ट डल जाएगा। यहाँ से इसकी डेप्थ को हमें कम कर लेना है, अराउंड 122 तक कर लेना है और यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। अगर आपके मोबाइल में, अगर आप एंड्रॉयड 10 और 11 वर्जन यूज करते हैं और यहाँ पे आप 3D इफेक्ट या फिर इम्बोज का सेटिंग करते हैं तो आपका लोगो कट जा रहा है, ऐसे बीच बीच में कट जाता है, तो इस पे भी मैं वीडियो बनाया हूँ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक वीडियो बना के डाल दिया हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगो सेव करते हैं या फिर 3D इफेक्ट डालते हैं तो आपका लोगो कट फट जाता है, तो उसके लिए आप वो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके बाद जैसे कि हमने 3D इफेक्ट डाल दिया, तो अब इसके अंदर एक और इफेक्ट डालना है, इम्बोज इफेक्ट। तो यहीं इसी हेक्सागोनल सेक्शन में सबसे नीचे आपको इम्बोज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, देन यहाँ इसे इनेबल कर देना है। अब इसके बाद हमें यहाँ से कुछ इसकी सेटिंग्स को चेंज करनी है, जैसे इसके बेवल को कम करके अराउंड 3-4 कर लेना है, कुछ इस तरह से। आप देखते हुए आपका लोगो कितना अच्छा लग रहा है इसको सेटिंग करने पे, उसके अकॉर्डिंग बेटर अपीयरेंस के लिए आपको सेट कर लेना है। यहाँ से स्पेक्युलर हार्डनेस को बढ़ा के अराउंड 50-54 कर लेना है, एम्बियंट लाइट को भी थोड़ा सा कम कर लेना है और यहाँ से रिफ्लेक्शन एंगल यानी लाइट एंगल इसको भी एडजस्ट कर लेना है। इससे आपके टेक्सचर में जो मेटल टेक्सचर दे रखे हैं आप अपने टेक्स्ट को, अपने लोगों को, उसमें अलग तरीके का साइनिंग उसके बाउंड्री लाइन पे आएगा। सो आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। अब फाइनल स्टेप में हमें इसके पीछे शैडो क्रिएट करना है। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ शैडो पे क्लिक करना है, देन यहाँ इसे इनेबल कर देना है। शैडो इनेबल हो जाएगा। सो यहाँ पे आप शैडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन शैडो मैं कहूँ तो ब्लैक ही रहने देना। इसके बाद यहाँ से इसका ब्लर रेडियस हमें बढ़ा लेना है। आप चाहें तो यहाँ से इसका एक्स ऑफसेट कुछ इस तरह से और भी 3D लुक देना चाहें तो इसका एक्स ऑफसेट यहाँ से चेंज कर सकते हैं और वाई ऑफसेट भी यहाँ से सही कर सकते हैं कुछ इस तरह से, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा और यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे आप चाहें तो इसका अगर साइनिंग वगैरह बढ़ाना चाहे, कॉन्ट्रास्ट वगैरह बढ़ाना चाहे अच्छे से और मतलब इसको अट्रैक्टिव करने के लिए, तो आपको इसी सेक्शन में कलर फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप इसकी सैचुरेशन, ब्राइटनेस जो कुछ भी है यहाँ से बढ़ा सकते हैं और भी इसको शानदार बना सकते हैं। सो यहाँ से आप सेट करने के बाद यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अब इसके बैकग्राउंड को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको इमेज का ऑप्शन मिलता है, फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन मिलता है, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके आप डायरेक्ट गैलरी से कोई बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। सो मैं आज जो बैकग्राउंड यूज किया हूँ उसको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, ये रहा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ सेलेक्ट करना है, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इस तरह से इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, या फिर आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इस एप्लीकेशन के अंदर भी बहुत सारे बैकग्राउंड दिए हैं जिसे आप यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई कलर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ कलर पे क्लिक करके आप किसी भी कलर का बैकग्राउंड यहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद जो फाइनल बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप अगर यूट्यूब के लिए लोगो या किसी प्रोफाइल के लिए लोगो बनाना चाहते हैं, सो लोगो बनाने से पहले आपको यहाँ
थ्री डॉट लाइन पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें उसके स्टैंडर्ड साइज का ही बनाना पड़ता है। अगर आप यूट्यूब के स्टैंडर्ड साइज का नहीं बनाएंगे तो आपका लोगो सही से वहां पे फिट नहीं आएगा। सो यहाँ थ्री डॉट के लाइन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको इमेज साइज पे क्लिक करना है, और यहाँ कस्टम पे क्लिक करके आपको यहाँ प्रोफाइल पिक्चर स्क्वायर लिखा है इस पे क्लिक करके यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। इससे आपका और जो है इसी शेप का आपको बनाना है, इसी साइज का बनाना है, ताकि आपका लोगो जो बने वो फिट आए यूट्यूब पे। फिर आपको क्या करना है, इस लोगो को मतलब एक्सपैंड करके आपको इसके बाउंड्री लाइन तक कुछ इस तरह से टच कर लेना है। अब ये जो साइज है आप किसी भी प्रोफाइल पे लगाओगे बिल्कुल सही से फिट आएगा और एकदम अट्रैक्टिव लगेगा। लोगो बन जाने के बाद लोगो को सेव करने के लिए सिंपली आपको यहाँ सेव पे क्लिक करना है, और यहाँ सेव एज इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको डायमेंशन में कस्टम पे क्लिक करके आपको अगर हाई क्वालिटी में चाहिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, तो वेरी हाई से भी नीचे आपको अल्ट्रा का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। देन यहाँ सेव टू गैलरी पे क्लिक करके इसे सेव कर लेना है। सो गाइस, भले ही ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई हो, क्योंकि रिंग बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट में आपको रिंग प्रोवाइड करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको रिंग नहीं बनाना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आपको बना बनाया रिंग मिल जाएगा। सिर्फ आपको नेम लिखना होगा और टेक्सचर डाल के थ्री डी इफेक्ट डालना होगा, जिससे कि आप आसानी से और बहुत जल्दी बिना किसी प्रॉब्लम के बना सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, पसंद आया हो वीडियो और भी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।